नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। हिमाचल घुमंतू पशुपालक सभा व वन अधिकार कमेटियां जिला चंबा के बैनर तले आज जिला चंबा के गुज्जर गद्दी व आम जमींदार समुदाय के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया और उन्होंने उपायुक्त को जिला चंबा में वन अधिकार अधिनियम 2006 को अति शीघ्र व प्रभावी क्रियान्वयन करने के बारे में एक ज्ञापन सौंपा। पेश है इस संबंधी चंबा से हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। से मेमोरेंडम देने आए हैं। ये हिमाचल वन अधिकार जो मंच है उसके नेतृत्व में हम जो गद्दी गुज्जर जो कल्याण सभा बनी है हमारी, जो वन अधिकार कानून के लिए बात कर रही है। ये कानून 2006 में संसद में पास हुआ था और ये 2014 में पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। 2012 में पहले ट्राइबल में हुआ था, नॉन ट्राइबल में हुआ था। उसकी एक मांग ये है कि जो वन अधिकार है हमारे, जो चाहे व्यक्तिगत हैं चाहे सामूहिक हैं हमारे, उसके उनको जिला कमेटियों ने, SDM ने और जो वन अधिकार कमेटियाँ बनाई थी उन्होंने इस्टेब्लिश करना था। वो दावे लोगों से मांगने थे, इतने सालों के बावजूद भी जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये हमारी सरकार से मांग थी कि इसको किया जाए। तो अभी इलेक्शन से पहले भी हमारा सरकार को मेमोरेंडम दिया था, हमने विधानसभा में भी मेमोरेंडम दिया था। तो उसके बाद पहली बार विधानसभा में इस कानून की चर्चा हुई, जिसमें ये शेयर किया गया कि इस कानून को युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इस कानून की जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 जून को एक मीटिंग हुई है। तो आज हम उसी मीटिंग के जो सिलसिले में DLC को और DC साहब को जो आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी लोगों के क्लेम आए हैं उनको तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो स्पेशल जो घुमंतू पशुपालकों के दावे हैं जो DLC ने करना है हमारे चंबा और जो के इलाके में जो गद्दी गुज्जर हैं, जो सदियों से भेड़ बकरी का और भैंस का और गाय का पशुपालन का काम करते हैं, उनको इसमें अधिकार मिल रहे हैं, चाहे वो सेंचुरी का इलाका चाहे या और इलाका। तो अभी भांदल से भी हमारी कुछ 100-150 क्लेम जो है वो सलूनी में पड़े हैं, पटियात में हमारे क्लेम पड़े हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो DLC आज हम DC साहब से बात करने आए हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो 3 जून को मीटिंग हुई है उसमें एक डिसीजन हुआ है कि जहाँ जहाँ क्लेम आ गए हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है सेटल किया जाए, और जहाँ से क्लेम नहीं आए हैं वहाँ से जो है तुरंत जो FRCs की जो ट्रेनिंग की जाए और जो फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको मदद से जो तुरंत जो क्लेम फाइल किए जाए। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने आए हैं कि DC साहब को ये बोलने आए हैं कि भैया आप अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, बहुत पावरफुल हैं, और इस कानून की जो जब मुक्ता जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने शुरुआत की है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जो वर्ष 2017 में उन्होंने 7 जो कम्युनिटी क्लेम है वो जोल के जो दिए थे, और 47 क्लेम जो है वो कालाटोप सेंचुरी के अंदर जो है लक्कड़ मंडी के है उनको टाइटल मिले थे और उनके नाम जमीन हुई थी। तो यही शुरुआत जो चंबा से हुई है, हम आज DC साहब से बात करने आए हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि पूरे प्रदेश में चंबा की नकल पे जो है इस कानून को आगे बढ़ाया जाए। हमें चाहते हैं कि इस कानून में जब सरकार आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री साहब ने खुद विधानसभा में बोला है कि इस कानून को जो है युद्ध स्तर पर जो है मिशन मोड में लागू किया जाएगा, यही रिक्वेस्ट करने आज हम पूरी वन अधिकार कमेटी के लोग आए हैं जिला चंबा के, जिसमें गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी हैं, गद्दी कम्युनिटी के लोग भी हैं और बाकी जिम्मेदार लोग भी हैं। ये आज बात करना है।